أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، قرآن کریم کی چند آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، سورۃ المرسلات جو 29ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کے پہلے رکوع کی درمیانی آیات، جس طرح ماں قبل کے دروس میں بتایا گیا کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر کیا ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، مگر اصل جو موضوع آخرت ہے، قیامت ہے، تو اس موضوع تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی کہ انسان مخلوقات کے اندر غور کرے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے اور اس اصل آخرت کی زندگی کی تیاری میں لگ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بتایا علم، تو یہاں علم کئی مرتبہ آیا ہے. پہلا علم اللہ نے فرمایا علم نہلک الاولین، کہ دیکھو یہ غور کرے انسان کہ کس طرح ہم نے اگلوں کو کس طرح ہلاک کیا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم سبا، قوم نوح، قوم شعیب، قوم لوط، کس طرح اللہ نے ان بستیوں کو ہلاک کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دوبارہ علم، کہ انسان غور کرے کہ کس طرح ہم نے انسان کو ایک حقیر اور پانی سے پیدا کیا. پھر آگے یہ تیسرا علم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے متعلق فرمایا ہے کہ انسان کیا علم نجعل الارض کفاتا، کہ ذرا انسان غور کرے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی، روکنے والی، جمع کرنے والی نہیں بنایا. تب مفسرین فرماتے ہیں کہ زمین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے بغیر انسان کا جینا مشکل. یہی زمین جس سے سڑکیں بنتی ہیں، عمارتیں بنتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے کاشتکاری کی جاتی ہے. تو انسان کی زندگی زمین سے وابستہ ہے. زندگی میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی،
जैसे सूरह आबस में अल्लाह ने फरमाया थुम्मा अमातहू फअकबरा, जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को मौत दे उसके बाद जो उसकी कब्र बनती है वो कहाँ, जमीन में। तो जिसका ये मसला में समझ में आया कि दफन करना जमीन में ये एक तबी अमर है, तबी चीज है, और इस्लाम और हमारे दीन में हमें यही सिखाया है। बाज दूसरे मजाहिबों में मुर्दे को दफनाते नहीं है बल्कि उनके बॉडी मैयत को जला देते हैं, तो ये इंसान की बहुत बड़ी तजलील है, और उजर ये बनाते हैं कि जमीन की फिजा खराब होगी। एक शख्स मौलाना कासिम नानोतवी रहिमहुल्लाह के पास आया, उसने कहा कि ये बताएं कि आप लोग मुर्दे को जमीन में क्यों दफनाते हैं, इससे जमीन की फिजा खराब होती है। तो मौलाना ने जवाब दिया कि अगर आप किसी लंबे सफर में जा रहे हैं और आपके औलाद है तो क्या आप दुश्मन के पास उनको रखोगे या जो अपने दोस्त के पास? तो उन्होंने कहा जाहिर है दुश्मन के पास नहीं रखेंगे, दोस्त के पास। उन्होंने मिसाल दी कि यही मिसाल इंसान की, आग इंसान का दुश्मन है जो इसको जलाकर खत्म कर देता है, और जमीन एक ऐसी चीज है जिस अल्लाह ने इंसान को इसी से बनाया, और जब मुर्दा जमीन के अंदर उसी के अंदर मिल जाता है तो जमीन उसको समेट लेती है, माँ शफकत की तरह जैसे माँ अपने बच्चे को लपेट लेती है, इसी तरीके से जमीन इस मुर्दे को लपेट लेती है, इसको जमा कर लेती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो ये जमीन जिससे इंसान की सारी जरूरतें इससे मुताल्लिक हैं, तो क्या हमने इसको ऐसा नहीं बनाया? किफात के मुख्तलिफ माने आते हैं, जमा करने के, रोकने के, और अल्लाह ने फरमाया अहया अम व अमवाता। अब इंसान की इससे वाबस्ता है, जिंदगी में भी जमीन की जरूरत है और मरने के बाद भी आराम का है जमीन के में। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में मिन्हा खलकनाकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, वफीहा व मिन्हा नुखरिजुकुम, और इसी से तुम्हें निकालेंगे, वफीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। इसी से अल्लाह ने पैदा किया, इसी में इंसान तो वापस जाएगा, और इसी से फिर अल्लाह तबारक व ताला दोबारा इंसान को निकालेंगे। तो ये इंसान की हकीकत, तो अल्लाह ने फरमाया कि इस ज़मीन में ही गौर करें, देखें किस तरह अल्लाह तबारक व ताला ने इसको बनाया और इससे इंसान कितना फ़ायदा उठाता है। गोया कि इंसान की खिदमत जिंदगी में भी करती है और मरने के बाद भी उसके लिए आरामगाह है, अहया अम व अमवाता। फिर आगे अल्लाह ने फरमाया वजअलना फीहा रवासिया शामिखात व असकैनाकुम माअन फुराता, कि हमने बनाए इसी जमीन में मजबूत और बुलंद पहाड़, पहाड़ जैसे मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया। अगर ये पहाड़ ना होते तो हमारे लिए मैदान में रहना भी मुश्किल होता। जो पहाड़ अल्लाह तबारक व ताला ने इनको मजबूत बनाया, और इसका फायदा पहाड़ से भी बहुत बड़ा फायदा है, जो जमीन वाले जो रहते हैं मैदान में उनके लिए बहुत फायदा है, अगर ये पहाड़ ना हो तो उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो उसके बहुत सारे फवायद हैं, इससे जो पानी का चश्मा निकलता है, फिर इसके जरिए से दरिया और नहरें बहती हैं, और फिर जो आइस की स्टोरेज होती है पहाड़ पर, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पानी की शक्ल इख्तियार करती है। तो बहुत सारे फवायद हैं जो पहाड़ अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, रवासिया शामिखात।
और फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि देखे इसके साथ वो अस्पैनाकुम मा अनफुराता, कि हमने तुम्हें मीठा पानी पिलाया। मीठा पानी बहुत बड़ी नेमत है। इसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मीठा पानी पीते तो आप दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सकाना माअन अदबन फुरातन वलम यजअलहु मिल्हन उजाजम बिदुनूबिना, कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने हमें मीठा पानी पिलाया और इसको हमारे गुनाहों की सबब गुनाहों की वजह से इसको कड़वा नहीं किया। मदीना तैयबा में उस वक्त मीठा पानी नहीं था, सिर्फ एक ही कुआं था जहां मीठा पानी, और ये एक यहूदी की मिल्कियत में था। सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु ने फिर इस बेअर इस कुएं को खरीदा, और जब भी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा पानी पीते तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते और दुआ पढ़ते। तो इस पानी की भी कदर हमें करनी चाहिए, जो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है। और इंसान को तो एक बाइज्जत तरीके से जो हमें पानी, जिस तरीके से हम पानी पीते हैं, आम जानवर जैसे भी पानी है, जो गंदा पानी, फिर भी उनके लिए उन बीमार नहीं होते, वो इस तरीके से मुंह लगा कर पीते हैं। इंसान को अल्लाह ने कितनी इज्जत से पानी पिलाया, किस तरीके से हम एक गिलास में, फिर वो भी साफ, फिर पानी भी साफ, फिर पानी भी मीठा, और इसको हम पीते हैं। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने फरमाया वो अस्कैनाकुम मा अनफुराता, मीठा पानी भी तुम्हें पिलाया, पहाड़ भी मजबूत बनाए तुम्हारे रिहाइश के लिए, और जमीन को अल्लाह ने किस तरीके से, जो मुख्तलिफ इसके फवायद हैं, वही यौम इदिल मुकद्दबीन। इंसान फिर भी इन चीजों में गौर करके अल्लाह को नहीं पहचानता। तो अल्लाह ने फरमाया कि हलाकत है उस रोज जुठलाने वालों की, जिन्होंने जुठलाया इनकार किया, उस रोज उनके लिए बहुत सख्त हलाकत है। जैसे कि पहले बताया गया, वही बाज ने फरमाया जहन्नम के एक वादी का नाम है। तो बहुत सख्त दिन होगा। इंतलिकू इला मा कुंतुम बिही तुकद्दिबून, अल्लाह ने फरमाया कि अब चलो उस अंजाम की तरफ जिसको तुम जुतलाते थे दुनिया में, अब उस अंजाम की तरफ चलो। इंतलिकू इला जिल्लिन दी थलाथ शुअब, कि चलो अब उस तीन शाखों वाले साये की तरफ। मुफस्सिर ने लिखा है इससे मुराद जो एक धुआं होगा और एक ऐसी हवा चलेगी जिससे तमाम तकब्बुर करने वाले मुशरिक इन सब को जमा कर लेगी, और ऐसा सख्त अजाब होगा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो ये जुथलाने वालों का अंजाम होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अभी हमें मौका दिया कि हम अल्लाह को पहचानें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह की नेमतों का कदर करें, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, और जहां हम दूसरों को भी इसकी तरगीब दें, दूसरों की मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए, दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।